नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर में स्वामी विवेकानंद जी को देखेंगे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को मकर संक्रांति के दिन जो है कोलकाता नगर में हुआ था। इनके पिताजी श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। संन्यास ग्रहण करने से पूर्व इनका नाम जो है नरेंद्र था, बचपन का नाम नरेंद्र था। ये क्षत्रिय थे। अपने छात्र जीवन में स्वामी जी बड़े ही प्रसन्नचित रहा करते थे, खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। पहले तो वे स्वामी रामकृष्ण के विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, उनमें मतभेद था, लेकिन बाद में वे रामकृष्ण जी को जो है अपना गुरु बना लिए और उनका संदेश देश विदेश में फैलाने के लिए जो है वो कार्य करने लगे। सेंट पॉल ने जैसे ईसा मसीह का संदेश को फैलाया था, वैसे ही रामकृष्ण द्वारा जो है इनको फैलाया गया था। स्वामी विवेकानंद इस बात पर जोर दिया करते थे कि वेदांत का द्वार सभी प्राणियों के लिए खुला रहे। जाति पाति, रंग भेद, आचार विचार और स्त्री पुरुष का भेदभाव इसमें जो है कोई बाधक नहीं बने। इनका मत था कि वेदांत हर जगह व्यवहार में लाया जा सकता है। पश्चिम में धार्मिक उदारता लाने के लिए तथा पूर्व में जो है समाज निर्माण के लिए वेदांत आवश्यक है। वे भारतीयों को आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की शिक्षा देना चाहते थे। भारतीय नवयुवक को संदेश देते थे कि वे देश, जाति और भारतीय होने का गर्व करें। अपने अल्पकालीन जीवन में भी जो है मानव कल्याण के लिए स्वामी जी ने अध्यात्मवाद तथा भारतीय दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया। वह संसार के इतिहास में सर्वदा स्मरणीय रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि शिक्षा ऐसी हो जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, देश प्रेम की भावना का जो है इसमें समावेश होना चाहिए। यदि शिक्षा देश प्रेम की प्रेरणा नहीं देती है तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। बालक बालिकाओं को जो है समान शिक्षा मिलनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु अल्पायु में ही 1902 ईस्वी में हो गई। इतने कम समय के उम्र में इन्होंने विश्व पटल पर जो है अपनी कीर्तिमान को फहराया, भारत के सम्मान को जो है विश्व स्तर पर सम्मानित किया। तो ये था विवेकानंद जी का जीवन परिचय। धन्यवाद।